थोड़ा सा कुछ लगता है। हाँ। अच्छा। धनिया उनिया अदरक उदरक सब मिक्स करके तब उसका चोखा तैयार होता है। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे फ्रेंड आप लोग, दिस इज एम एस ए एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का सीन कुछ ऐसा है कि मैं आप लोगों को मिर्जापुर के एक वाटरफॉल जो काफ़ी नामी है टांडा फॉल, उसका ब्लॉग बनाता हूँ, उसका वीडियो दिखाता हूँ आप लोगों को। वीडियो को अभी से कर दे लाइक, और अगर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है मिर्जापुर वाटरफॉल की, तो डिस्क्रिप्शन या मेरे चैनल पे उसकी प्लेलिस्ट है, तो आप वहाँ से जाके मिर्जापुर के अनेकों वाटरफॉल का वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पे ज़रूर आए, विज़िट करें, ट्रैवल करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो पर 1000 लाइक्स का टारगेट है, उसे आप जल्द से जल्द पूरा करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए सफ़र शुरू करते हैं। अभी हम लोग टांडा फॉल के छत वाले हिस्से पे हैं और ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है। देखिए, इधर जाली हुई लगी है जैसे किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो। और इधर का सीन देखिए आप, कितना खूबसूरत और मनोहर करने वाला सीन है, आपको देख के काफ़ी अच्छा लगेगा। काफ़ी पेड़ हैं और नीचे फॉल। यहाँ पे सबसे अच्छा टाइम विज़िट करने का बरसात के मौसम में आए तो आपको काफ़ी पानी और काफ़ी सैलानी मिलेंगे। इधर देखिए आप, पहाड़ को काट के बना हुआ ये फॉल है, इस फॉल को टांडा फॉल कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं नीचे की तरफ और आप लोगों को इसको पास से इसके नज़र दिखाता हूँ। अभी हम लोग नीचे आ चुके हैं और आप लोगों को इसके नज़ारे दिखाता हूं। रोड थोड़ी टूट गई है तो आप थोड़ा संभल के इधर आए। इधर देखिए आप लोग, बारिश न होने के कारण पानी नहीं है तो सूखा पड़ा हुआ है यहाँ पे, और सैलानी भी काफ़ी कम मात्रा में आए हुए हैं। और क्या, कपड़ा गंदा। काफ़ी संभल के आप यहाँ पे आए, और जब पानी का बहाव रहता है तो इस जगह पे जो अभी वीडियो दिखाया जा रहा है यहाँ पे पानी भरा रहता है, तो लोग यहाँ पे काफ़ी इंजॉय करते हैं। देखिए इधर के नज़ारे,
बरसात न होने के कारण सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन जब बरसात हो जाती है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे दृश्य देखने को मिलते हैं। अभी हम लोग आगे की तरफ चल रहे हैं, जो टांडा फॉल का मेन दृश्य है, जहाँ से फॉल गिरता है उसकी तरफ। देखिए इधर काफ़ी पेड़ और ऊंचे पेड़ हैं, और उसके ठीक नीचे फॉल जो पहाड़ को काट के पानी नीचे गिराता है। मेहनत से दूर से आए बाबतपुर से भैया लोग, हम लोग। हम लोग कहाँ से आप लोग? बाबतपुर एयरपोर्ट। अच्छा, बाबतपुर से आप लोग आए? ठीक भैया, यहाँ पानी के ना होने से हमारा हम लोग का इंजॉय खराब हो चुका है। हाँ, तो इस समय बरसात भी नहीं हो रहा, इसीलिए पानी नहीं है। सब पेड़ पौधा कटा दे रहे हैं। अगली बार आए तो बारिश था, अगली बार हम लोग आए थे तो पानी धरना न चल रहा था। हम लोग को तो मालूम नहीं था भैया जी, करीबन 100 किलोमीटर दूर से हम लोग आए हैं। अच्छा, हम लोग को मालूम नहीं था, इसीलिए हम लोग चले आए। क्या करें, पड़ गया, एंजॉय अच्छे से एंजॉय हो नहीं रहा है। सब फीका हो रहा है। 18 लोग आप लोग आए? कुछ लोग नीचे भी हैं। अच्छा, और कुछ लोग ऊपर हैं, अभी जा रहे हैं घूमने के लिए, झरना होना। ठीक ठीक, देख रहे हैं। पानी हम लोग का पूरा इंजॉय खराब हो गया भैया। अच्छा, बस यही हम लोग का तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा अच्छा, वो पेशे से एक कोटेदार है, वो यहाँ पे आए हुए हैं टहलने के लिए। तो बताइए आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, क्या सीन है, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। अच्छा, खाने में और नहाने में और मज़ा है। अच्छा, बहुत दूर से आए हैं चल के अपने घर से। यहाँ से कम मेरा घर 25 से 30 किलोमीटर दूर है। ये टांडा फॉल है, बहुत अच्छा नगर है, बहुत अच्छा शहर है। अच्छा, ये देखिए, ये यहाँ पे ये नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पे, और पानी लाए अपना। अब ये पानी अपना कहाँ से खरीद कर लाए? शहर मार्केट से ही लेकर आए, क्योंकि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं। तो भाई साहब, इधर इधर एक मिनट। हाँ बोलिए सर। क्या आप क्या बना रहे हैं? बाटी चोखा बना रहे हैं। तो बारिश नहीं हुई तो पानी यहाँ नहीं है, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? मज़ा आ रहा है, बारिश आ जाएगा तो सब बेकार हो जाएगा। अच्छा हाँ, तो उधर सैलानी बता रहे कि बारिश नहीं हुई है तो पानी नहीं है, तो उतना इंजॉय नहीं हो पा रहा है। तो उतना बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा हाँ, तो ये आप बाटी चोखा बना रहे हैं? हाँ, बाटी चोखा बना रहे हैं। तो हमारे दर्शक को बताइए कि ये कैसे बनता है, इसका स्वाद कैसा है? देखिए, आएंगे सर तभी तो स्वाद इसका समझ में आएगा। बनता कैसा है? ये तो कोई भी बना सकता है। अच्छा, जिसको कभी सर होगा वो भी बना सकता है इसको। अच्छा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे इस उपली में बना रहे हैं यहाँ पे? इधर दिखाइए, ये पूरी तरह हमारी भारतीय संस्कृति तरह बनाया जा रहा है यहाँ पे खाना। हाँ, और इधर टमाटर भी सेकने के लिए वैसे रखे हैं, ठीक है, उसी तरह बैगन है। अच्छा, सब इसमें मूली और प्याज व्याज और मतलब कि इधर उधर थोड़ा सब कुछ लगता है। हाँ, अच्छा, धनिया उनिया अदरक उदरक सब मिक्स करके तब उसका चोखा तैयार होता है। अच्छा, इधर आराम से आए, यहाँ पे देखिए नज़ारे। देखिए पानी काफ़ी कम है क्योंकि बरसात नहीं हुआ है, तो उतने सैलानी भी नहीं दिख रहे हैं। इधर देखिए आप, सूखे पड़ने कारण पानी की मात्रा जो झरनों से गिर रही है काफी धीमा गिर रही है, और ये काफी ऊंचाई पे है। देखिए यहाँ पे काफ़ी नामी टांडा फॉल है मिर्ज़ापुर में, काफ़ी दूर दूर से। इधर देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए आप लोग, काफ़ी खूबसूरत नज़ारे, और पानी नहीं है तब भी उतने ही अच्छे लग रहे हैं जितने पानी रहने पे रहते हैं। पहाड़ के बीच में बना हुआ यह फॉल है जिसे टांडा फॉल कहते हैं, काफ़ी ऊंचे ऊंचे पत्थर रखे हुए हैं,
और बीच में इधर आपको ये टांडा फॉल देखने को नजर आ रहे हैं। आगे की तरफ चलना है और आप लोगों को कुछ और नज़ारे दिखाते हैं इस फॉल के। इधर देखिए आप लोग, काफी ऊंचाई पे बना हुआ यह फॉल है, काफी दूर दूर से लोग आते हैं और ये चारों तरफ पेड़ और पहाड़ से ढका हुआ फॉल है। बीच में आपको झरना देखने को मिलेगा। अरे तू यह देखा था शेखर, शेखर वाला ये खजादी वाला गैला नदी अंदर किधर से फ्रेंड, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड, अपने फैमिली फ्रेंड और अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं नई नई जगह का ऐसे ही ब्लॉग करता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।